नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट के लिए अमृत तुल्य मेडिसिन के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर केशव कुमार के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें, और अच्छा लगे तो शेयर भी करें। अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा लोग ग्रसित हैं किसी भी रोग से, तो कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हैं, और कॉन्स्टिपेशन के वजह से, कब्ज की वजह से आदमी अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इस पर थोड़ा हम फोकस करते हैं। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, कब्ज अगर आपके अंदर है, अगर आप कब्ज से ग्रसित हैं, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, क्रोध, गुस्सा, सरदर्द, बवासीर, पेशाब में, यूरिन में जलन, देह हाथ पूरे बदन में, पूरे शरीर में दर्द, गठिया, साइट का, बहुत सारे बीमारियों से आप ग्रसित हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कॉन्स्टिपेशन, कब्ज। अगर आप कब्ज से मुक्ति चाहते हैं तो मैं आपके लिए अमृत तुल्य बेहतरीन मेडिसिन लेकर के आया हूँ, मदर टिंचर, होम्योपैथिक मदर टिंचर और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन। इस पर मैं आपके साथ चर्चा करेंगे। तो अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं तो इसका बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपको बता दें कि अन्य पैथी की दवाई खाने से क्या होती है कि आंत का टेम्पर कमज़ोर हो जाता है। कब्ज होने का मुख्य कारण है कि आपकी आंत का जो कार्य है, आंत इस तरह से हमेशा होता रहता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि सर्प जब चूहे को खा लेता है तो फिर आगे का जो पोजीशन है उसको ऐसे दबाता है, वो अपने आप पुश हो जाता है, पीछे की तरफ चला जाता है, फिर वो ऐसे दबाएगा, फिर पीछे की तरफ जाएगा। उसी तरह जहाँ जहाँ जाता है उसके आगे ऐसे ऐसे ही वो दबाता चला जाता है। वही पोजीशन आंत में भी होती रहती है हमेशा। अन्य दवाई खाने से वो केवल लूज मोशन करता है, यानी कि मल को लूज करता है। हमें मल को लूज नहीं करना है, हमारी जो बॉडी की सिस्टम है वही खुद हमारी बॉडी को स्वच्छ और सुंदर और अच्छा रखता है। केवल उस सिस्टम को ठीक करना है, न कि लूज मोशन की दवा देना है। अगर हमारी बॉडी ही अगर अपने आप में अगर सही है तो फिर कब्ज होगा ही नहीं। लेकिन कब्ज का मुख्य कारण होता है कुछ खान पान, गलत खान पान, ज़्यादा जो भी आप भोजन करेंगे उसमें अगर ज़्यादा फाइबर की मात्रा होती है तो कब्ज होने लगती है। भोजन असंतुलित होने की वजह से कब्ज होती है, कम पानी पीने की वजह से कब्ज होती है। आप पानी जरूर मात्रा में लें। तो बात करते हैं कि जब कब्ज होती है तो आदमी लूज मोशन की दवा खा लेती है, लेकिन यह दवा खाने के बाद जब आदमी खा लेता है उसके बाद क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है। लेकिन हमारी बॉडी का सिस्टम नहीं सही हो रहा है। अगर सिस्टम सही होगा तो फिर कब्ज सदा के लिए ठीक हो जाएगा। तो जब आंत इस तरह से होती है, अगर आप शरीर को अगर वर्क नहीं दीजिएगा, उस सिस्टम को नहीं ठीक कीजिएगा, लूज मोशन की दवा खा लीजिएगा, तो उससे आप स्वस्थ नहीं हो जा सकते हैं, कभी नहीं स्वस्थ होंगे। तो हमें लूज मोशन की दवा नहीं खानी है, हमें सिस्टम की दवा खानी है। और ऐसी दवा खाएंगे, लीवर कमज़ोर होगा तो कब्ज होगा। तो हम ऐसी दवा खाएं जो हमारी लीवर को ठीक रखे, हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को ठीक रखे, जो जिस समस्या की वजह से कब्ज होती है। तो आंत की जो सिस्टम है, अगर उस सिस्टम अगर कमज़ोर पड़ जाती है तो उस सिस्टम को बुस्टअप करने के लिए हमें दवा लेनी है। बॉडी में निगेटिव और पॉजिटिव दो तरह की प्रक्रिया होती है। अगर हमारी आंत कमज़ोर हो जाती, आंत के सिस्टम अगर डाउन पड़ गया तो कब्ज होगी। जब कब्ज होगी तो समस्या उत्पन्न होगी, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवा चाहिए। स्ट्रॉन्ग करने के लिए दवा चाहिए। अगर पेट झड़ रही है तो क्या करना है उसके लिए,
लाइटर में देनी पड़ती है। लेकिन चलिए, हमको अभी इस विषय पर नहीं चर्चा करनी है, मुख्य रूप से कब्ज पे चर्चा करनी है। तो आप के पास मात्र 2 से 3 मेडिसिन रखने की ज़रूरत है, जिसका मुख्य मेडिसिन है कास्कारा सिग्राडा क्यू में। बस सुसुम पानी थोड़ा सा ले, आधे कप गुनगुने पानी में 20 बूंद डाल दें और सुबह शाम 2 टाइम आपको लेने हैं, ज़्यादा हो तो 3 टाइम आप ले सकते हैं। और एकदम बेहतरीन ढंग से आपका शरीर इतने बढ़िया से काम करने लग जाएगा जो क्या बताएं। तो कास्कारा सिग्रेडा जितने भी प्रॉब्लम कब्ज के वजह से होगी सारे सिस्टम को ठीक कर देगा। कब्ज के वजह से सर दर्द हो, कब्ज के वजह से मुंह में छाले हो जाए, मुंह से बदबू आ जाए, कब्ज के वजह से यूरिन में प्रॉब्लम हो जाए, कब्ज के वजह से सर दर्द हो, बदन दर्द हो, गठिया हो, सब में काम करेगा। एक और मेडिसिन है जो लक्ष्यालो बोलते हैं, लक्ष्यालो स्लैब कंपनी का है, HSL कंपनी का है। आपको आधा टेबलेट रात को सोने वक्त खाना है। ये होम्योपैथिक मेडिसिन है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में चर्चा करते हैं। एसलास S2C10 V2YE स्ट्रॉन्ग डोज में लेना है। आपको बता रहे थे स्ट्रॉन्ग डोज और लाइटर डोज, इसी पर चर्चा कर रहे थे। स्ट्रॉन्ग डोज लेने से हमारी आंत की जो फंक्शन कम हो गई है, इस फंक्शन को बढ़ा देगी, हमारी आंत खुद गति करने लग जाएगी और कब्ज ठीक हो जाएगी। गति कम पड़ जाती है इसलिए कब्ज होता है। अगर ये दवा आप रेगुलर ले रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद आप ऐसा महसूस करने लग जाएंगे कब्ज की वजह से चिकचिकापन, सर दर्द, बदन दर्द, मुंह से बदबू आना, मुंह में छाले हो जाना, इस सारा ही प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा और एकदम प्रफुल्लित और एकदम स्वच्छ अपने आप को अंदर से बहुत महसूस करने लग जाएंगे, बड़ी हौला होने लगेगा। आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर कब्ज से जो लोग ग्रसित होते हैं उनको दूसरी बीमारी होती है तो बवासीर की होती है। और बवासीर एक ऐसी बीमारी है जो हम अपने नज़र अपने अनुभव की बात बता रहे हैं कि बवासीर की वजह से आदमी को कैंसर भी हो गया है और कैंसर हो गया उसके बाद फिर वो मर गया। तो कब्ज न होने दे, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अपने शरीर का ख्याल रखेंगे तो कब्ज नहीं होगा। ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप ये मेडिसिन हमेशा यूज करते रहें, लगातार यूज करते रहें, कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कभी कोई नुकसान नहीं होगा और एकदम आप बेहतरीन ढंग से एकदम प्रफुल्लित महसूस करने लगेंगे और एकदम स्वस्थ हो जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। हमारे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुने, देखें और हमारे इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अन्य भी वीडियो पर हम आगे चर्चा करेंगे, जैसे लूज मोशन पे हम चर्चा कर रहे थे, कब्ज के बाद लूज मोशन की जो दवा खाता है उस पर क्या होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए, धन्यवाद।